हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और आज मैं हूँ मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में। फिलहाल मैं हूँ बेसिक साइंसेज में। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ईयर कंडक्ट किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूँ तो दिस कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन 1994 और तब से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पहले इनफैक्ट अभी भी इंडियन मैनेजमेंट है यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा क्या है? एक तो इंडियन यू नो सिलेबस का ध्यान रखा गया है, सो द FMG रेशियो इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसको ध्यान में रख करके यहाँ का करिकुलम बनाया गया है। इनफैक्ट पूरे नेपाल का करिकुलम जो है वो काफ़ी मिलता जुलता है इंडिया के करिकुलम से। बट द एडवांटेज हियर इज़ यहाँ पे जो स्टडी पैटर्न है, दैट इज़ MCQ प्लस सब्जेक्टिव इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ स्टडी पैटर्न। इससे फ़ायदा क्या होता है? आप सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हो, साथ में MCU की प्रैक्टिस भी कर रहे हो। सो वैन यू कम बैक टू इंडिया, आपको MCI का FMG का टेस्ट देना है तो आपको उसमें बेनिफिट रहता है। और साथ में यू नो दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, सी दे आर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एज अ गुरुकुल, सो दे कंसीडर इट एज अ गुरुकुल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। दे आर नॉट जस्ट गिविंग यू द एजुकेशन, दे आर इनकल्केटिंग द मॉरल वैल्यूज एज वेल अलॉन्ग विद द एजुकेशन। यहाँ पे सुबह 8:30 से लेके इवनिंग 4 o'clock तक क्लासेज होती है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। तो अटेंडेंस अच्छी रखना जरूरी है, आपको क्लासेज में बिहेवियर यू नो अपना अच्छा रखना जरूरी है। एंड दिस वॉज एक्चुअली यू नो टेकन केयर बाय मेनली द आर्मी पर्सनल्स फ्रॉम इंडिया। अभी भी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के वो आर्मी में सर्व कर चुके हैं इंडिया की, सो दे हैव मेंटेन दैट स्टैंडर्ड, दे हैव मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन हियर एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन में क्या अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ना FNT एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम फोर्टनाइट टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे फोर्टनाइट टेस्ट क्या है? जो ये फोर्टनाइट टेस्ट है, ये फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 weeks, मतलब कि हर 2 हफ्ते में आपके टेस्ट होंगे। उस टेस्ट में होगा क्या, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एवरी सेमेस्टर दे हैव 7 subjects, तो वो सारे के सारे 7 के 7 subjects जो हैं वो आपके वो FNT में आएंगे। और वो जो FNT का एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उस 3 घंटे में वो 7 subject का एग्ज़ाम होगा। ये 3 घंटे कोई एक एग्ज़ाम नहीं है, वो 7 के 7 subject आ रहे हैं और ये हर 15 दिन में एग्ज़ाम रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हम हैं यहाँ पे मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में, फिलहाल मैं हूँ डाइसेक्शन हॉल के बाहर, मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। आई शो यू अराउंड कैसे कैसे कैडेवर्स अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कैडेवर है या नहीं, डिसेक्शन करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिखाना चाहती हूँ जो बच्चों को यहाँ पे मिल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। फिलहाल हम आए हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के एनाटॉमी म्यूजियम में। आप देख सकते हैं सारे बॉडी पार्ट्स वहाँ पे दिखा करके पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा दी एंड देन यू गेट नथिंग टू सी अराउंड। यहाँ पे सारे बॉडी पार्ट्स रखे गए हैं, नॉट जस्ट लाइक कि प्लास्टिक फॉर्म में, बहुत सारे ऐसे हैं जो जनरली ह्यूमन ऑर्गन्स भी हैं वो भी रखे गए हैं प्रिजर्व करके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अराउंड, वो इसलिए कि ताकि बच्चों को एनफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले जो वो एक्सपेक्ट करते हैं यू नो फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे आपकी सारी पूरी हो रही है। यू कैन सी बिहाइंड मी मेटोलॉजी लैब। फर्स्ट ईयर में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, नॉट जस्ट थ्योरी, आप प्रैक्टिकल भी साथ साथ कर रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं एंड देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर आप जो है हॉस्पिटल साइड में प्रैक्टिकल करते हैं। सी वी कैन नॉट टेक रेस्ट डायरेक्टली ऑन द ह्यूमन बॉडी, तो ऑब्वियसली आपके ह्यूमन सैम्पल्स आपको पहले यहाँ पे सिखाया जाता है एंड देन यू गेट टू डू इट इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर। एक्सपोजर फर्स्ट ईयर से ही है, बस ये है कि फर्स्ट ईयर डायरेक्टली किसी के एक्चुअल सैंपल्स पे या फिर एक्चुअल बॉडी भी नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड पे तो डिजिटल सिस्टम भी है और जो पुराना चॉक एंड बोर्ड सिस्टम होता था वो भी है, तो ग्रीन बोर्ड भी है और अगर आपको चाहिए डिजिटल से पढ़ना तो वो भी है और प्रोजेक्टर्स भी लगे हुए हैं। लाइक इफ आई लुक अबव तो प्रोजेक्टर है आपको वहाँ पे पढ़ाने के लिए भी, और कुछ अगर अलग से प्रोजेक्ट करना है सो दैट इज ऑल्सो अ फैसिलिटी। उसके अलावा अगर मैं क्लासरूम देखूँ तो just like any other classroom, bench available है, comfortable है obviously. So now we are at the library of MCOMS. हम अंदर चल के देखते हैं कि कैसे कैसे लाइब्रेरी है, बट वी आर वेरी श्योर कि आपको अंदर फिजिकल बुक्स मिलने वाली है और डिजिटल लाइब्रेरी भी मिलने वाली है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर से अलग लाइब्रेरी है, फर्स्ट सेकेंड ईयर से अलग लाइब्रेरी है और यहाँ पे एनाटॉमी की भी अलग लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स की कलेक्टिव भी मिलेगी और आपको डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लाइब्रेरीज भी मिलेंगी। सो यू हैव एनफ बुक्स
enough exposure. I would say कि आपको जो भी चाहिए आपको वो मिल जाएगा. You don't have to even look around कि books खरीदनी है और आपको जो भी issue करानी है books you'll get it all here. Just came out from the library. और library के अलावा अंदर तो reading के लिए आपके पास option है. You have table and chairs, but we have another reading room downstairs. So I'm just waiting around. अगर मैं ऐसे नीचे जा रही हूँ, so there is a huge reading room out there. अगर आपको वहाँ पे congested लगता है, you can come over there and you can just read and you know, have silence and have peaceful study right here. So it is roughly around what 4:15. So you might see less students here, but people see students are. So we just came to the girls hostel of MCOMS. आप मेरे पीछे देख रहे होंगे girls hostel and it clearly says no entry for men any which ways. तो हाँ बहुत safe है, अंदर warden भी रहती है and we are going to go ahead in the room. हम room check out करेंगे and I'll show you around कि कैसा room है और कैसी कैसी facilities हैं अंदर. So just come along with me. When we enter the rooms, we see that there's a two sharing room. तो दोनों आपको बुक शेल्फ मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा सामान रखना चाहते हैं आपको वो मिल रहा है. एंड दिस इज द हॉस्टल फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. इफ आई टॉक अबाउट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर, वहाँ पे उस हॉस्टल में तो वॉशरूम भी अटैच है. दिस इज अ वन दैट हैव अ यू नो आई वुड से कि आप बाहर एक साथ वॉशरूम्स हैं. ये सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ईयर में है, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में आपको जो हॉस्टल मिल रहे हैं उसमें वॉशरूम्स अटैच कुछ खेलना चाहते हैं इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स, वो सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएंगी. आज मैं हूँ मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में. आप मेरे पीछे देख सकते हैं मणिपाल टीचिंग हॉस्पिटल. हम अभी अंदर से एक्सप्लोर करेंगे इसको. आई एम गोइंग टू शो यू अराउंड कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एंड व्हाट ऑल एक्सपोजर यू आर गोइंग टू गेट. बट लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर एट मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको मिलने वाला है बहुत सारा एक्सपीरियंस्ड टीचर्स. रीजन बीइंग, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड सिंस देन इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं. अभी हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपको चीज़ें दिखाते जाऊँगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और क्या क्या डिपार्टमेंट आपके कवर हो रहे हैं, आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है. एंड एट द सेम टाइम इन दिस वीडियो we are going to cover the college, hostel, food, each and everything for Manipal College of Medical Sciences. So make sure you stay tuned. अभी मैं हूँ मणिपाल टीचिंग हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में. फिर से अगर आप मेरे पीछे देखेंगे
ग्राउंड फ्लोर पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके फर्स्ट फ्लोर पे डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए ज़रूरत हो और वो अवेलेबल ना हो, स्टार्टिंग फ्रॉम पेडियाट्रिक्स, गायना, और जो भी हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कवर भी किए हैं, शो यू इन द वीडियो एज वेल, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो अवेलेबल ना हो. If I take you by one by one, तो आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा, बट यू कैन रीड बिहाइंड, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड बिहाइंड मी कि सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपको हर एक डिपार्टमेंट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा. और बीइंग एन इंटर्न, अगर आप मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप करेंगे. इफ आई टेल यू अबाउट द ओपीडी, द मिनिमम ओपीडी ऑफ दिस हॉस्पिटल इज 600 एंड मैक्सिमम इट गोज अप टू 1000 प्लस एज वेल. ऑब्वियसली हर दिन अलग होता है, बट फॉर नाउ यू नो द टाइम दैट आई एम इन, टुडेज ओपीडी वाज 750 प्लस. मैंने जस्ट अभी एक लेफ्ट लिया फ्रॉम द रिसेप्शन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बायोकेमिस्ट्री लैब है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है, एंड वी हैव द इमरजेंसी वार्ड. तो ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में नॉट जस्ट फ्रॉम पोखरा, अराउंड द एरिया भी जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, एंड इमरजेंसी वार्ड एज ऑब्वियस इज ओपन 24/7. For now, we'll start exploring the labs, ki biochemistry or microbiology labs kaise hain, because these are the main subjects in the first year, aur uska practical exposure kaise hain yahan pe. So microbiology, biochemistry labs explore karne ke, then we'll go to the emergency area. So right now, I am in the microbiology lab, aap dekh sakte hain around jo hain, interns bhi kaam kar rahe hain, wo PG ke residents ho, ya phir jo interns ho, apne hi college ke, bahar ke college ke bhi. इस कॉलेज की बहुत अच्छी बात है कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी सिखाता है और बाहर से जो कोई स्टूडेंट आता है उनको भी इंटर्नशिप यहाँ पे मिलती है. सो वाइल्ड यू आर इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर, आप ये सब ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे कि ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इनफैक्ट पीजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं. अभी हम हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि सारी मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ऑपरेटर्स कैसे अवेलेबल है, मशीन्स कैसी अवेलेबल है, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं. सो जैसे कि आपको ये ना अभी मैं एक क्लिप दिखा देती हूँ, हाउ यू नो हाउ मेनी टेस्ट दे हैव एंड हाउ मेनी मशीन्स दे हैव, ये सब चीज़ें बायोकेमिस्ट्री लैब में जो होनी चाहिए, जो भी टेस्ट होने चाहिए वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है. सो व्हाई यू चूज मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, यू आर नॉट जस्ट लर्निंग थ्योरी पार्ट, ये सब चीज़ें भी आप अपने हाथों से करके देखने वाले हैं. सो व्हेन यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग, आपको इन सब की नॉलेज भी होगी. अभी मैं हूँ मणिपाल टीचिंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में, आई माइट नॉट बी दैट लाउड हियर, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे तीन तरह के एरियाज हैं, वन इज़ ग्रीन एरिया, वन इज़ येलो एरिया एंड वन इज़ रेड एरिया. सो व्हाट टू डू इज, एज सून एज जैसे ही पेशेंट आता है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन 24/7, जैसे ही पेशेंट आता है दे आर डिवाइडेड इनटू द रिस्पेक्टिव एरियाज. ग्रीन एरिया इज़ लाइक उसको इमीडिएट यू नो हेल्प की जरूरत नहीं है, बट देन येलो एंड रेड वंस ऑब्वियसली नीड द इमीडिएट हेल्प. और यहाँ पे फॉर राइट नाउ टुडे 31 पेशेंट्स आर ऑलरेडी देयर इन द इमरजेंसी सिंस मॉर्निंग, और अभी बहुत देर नहीं है, इट इज़ जस्ट आफ्टरनून. बहुत अच्छा पेशेंट इम्प्रूव है, और 24/7 यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, मेडिकल ऑफिसर रहता है, और साथ में इंटर्न्स भी 24/7 में ड्यूटी में रहते हैं. सो व्हाइल यू आर हियर एट मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपको भी इंटर्नशिप मिलेगी यही इसी हॉस्पिटल में, और आपको भी मौका मिलेगा इमरजेंसी वार्ड में सब. अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे सैंपल कलेक्शन एरिया, सैंपल कलेक्शन ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, मतलब पैथोलॉजी लैब भी इनकी खुद की है, सैंपल कलेक्शन ये खुद करते हैं, एंड विद इन अ सिंगल डे यू गेट ऑल द रिपोर्ट्स. अगर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे सेंट्रल रिपोर्ट डिस्पैच सेक्शन भी है. व्हाइल यू स्टडी एट मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिसिन साइंस, आपके पास एडवांटेज है, आपको ये सब चीज़ें भी सीखने को मिल रही है. सी इंटर्न्स जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में, इट इज़ नॉट जस्ट इमरजेंसी में इंटर्न है या पैथोलॉजी में इंटर्न है या किसी लैब में इंटर्न है, आप किसी भी सेक्शन में जाएंगे यू हैव इंटर्न्स एज वेल. फिलहाल मैं हूँ मणिपाल टीचिंग हॉस्पिटल के सर्जरी ओपीडी में. अगर आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लेवल के डॉक्टर्स हैं जिनके साथ बैठ के आपको सीखने को मिल रहा है, और यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम अवेलेबल है यूरोलॉजी में और साथ में न्यूरो में. यू नो इफ़ यू आर समवन जिसको न्यूरो सर्जन बनना है या फिर जिसको फर्दर यूरोलॉजी में जाना है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास. अगर आप देखेंगे यू नो इफ़ आई रीड थ्रू द डिजिग्नेशन MS, MCH, NAMS, सिमिलरली इफ आई लुक एट दिस साइड आई सी MBBS, MS, MCPS, FCPS, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं, आप इनके साथ बैठ करके सीख रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है. व्हेन यू कंपेयर इट टू इंडिया प्राइवेट, शायद इसी चीज़ के आप करोड़ों में पे करेंगे, एंड स्टिल जो एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिल रहा है वो शायद ना भी मिले. अभी मैं हूँ पैथोलॉजी लैब के अंदर जो सेक्शन होते हैं साइटोलॉजी और हेमाटोलॉजी लैब में, आप देख सकते हैं मेरे बच्चे जो इंटर्न्स हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. सो व्हेन यू चूज मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपको भी ऐसा ही एक्सपोजर मिलने वाला, यू गेट टू वर्क अलोंग यू नो दीज पीपल,
आपको सीखने को बहुत मिलेगा जब आप एक्चुअली में प्रैक्टिस करेंगे. चाहे यू नो बीइंग अ डॉक्टर आपको ये सब चीज़ें ना करनी पड़े, बट यू नीड टू हैव दैट नॉलेज. सो व्हेन यू चूज दिस कॉलेज और दिस हॉस्पिटल यू गैदर दैट नॉलेज अलॉन्ग विद अदर्स. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में होता क्या है, फर्स्ट और सेकेंड जो आपका बेसिक साइंस होता है वो दूसरी जगह पर है, एंड व्हेन यू आर डूइंग योर थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपका क्लिनिकल जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है. बट देखो थर्ड एंड फोर्थ ईयर में पढ़ना तो बहुत पड़ता है और इसीलिए लाइब्रेरी सेक्शन है मेरे पीछे. जैसे ही हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, द मोमेंट आई एंटर द लाइब्रेरी, ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड यू वुड सी कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो है रीडिंग सेक्शन है, एंड ऑब्वियसली दे आस्क अस टू मेंटेन द साइलेंस. नाउ इफ आई मूव अहेड टू माई राइट हैंड साइड आप देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी बुक्स है. सो वी विल जस्ट गो इनसाइड द बुक सेक्शन, आई विल शो यू अराउंड, और आप मेरे यहाँ पे देख ही सकते हैं कि दोनों सेक्शंस में कितने सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. If you look around me, इतनी सारी physical books available हैं और हर एक book की इतनी सारी copies हैं, तो हो सकता है आपको books खरीदनी भी ना पड़े. And at the same time they have digital computer lab as well, जहाँ पर आप digital books download भी कर सकते हैं, और physical books तो है ही हैं, because बहुत सारे बच्चों को होता है कि हमें physical books से पढ़ना है. So आप यहाँ पर आके आराम से पढ़ सकते हैं. If you want to issue the book, आप books issue करा सकते हैं hostel में या कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं. तो आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं एंड दे हैव एनफ नंबर ऑफ कॉपीज तक किसी भी बच्चे को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ यू कुड सी ऑन माय लेफ्ट यहाँ पे एक्सेस भी आपको डिजिटल लाइब्रेरी का, तो आप वो सब भी यूज़ कर सकते हो. सब टू यू, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यू हैव एनफ फैसिलिटीज एंड यू चूज मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज. अभी मैं मणिपाल टीचिंग हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सबसे ज्यादा तो पेशेंट लोग कितना ज्यादा है. और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके पास पीजी है रेडियोलॉजी में. पीजी होने से क्या होता है कि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. आई टेक यू थ्रू कि क्या क्या है. वैसे आपको पहले बता देती हूँ, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, मेमोग्राफी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ रेडियोलॉजी इज हेयर राइट हेयर. आई जस्ट टेक यू अराउंड. अगर आप देखिए एम आर आई और सीटी स्कैन के रूम है. इसके अलावा आई जस्ट टेक यू अराउंड क्योंकि आपको दिखाना जरूरी है. देख सकते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज का गर्ल्स हॉस्टल मेरे पीछे. अभी हमने बॉयज हॉस्टल कवर किया था, अभी मैं गर्ल्स हॉस्टल के बाहर हूँ. सबसे पहली चीज जो मैं दिखाना चाहूंगी पेरेंट्स को, इफ यू सी द गार्ड्स देयर, मतलब एंट्री पे ही गार्ड्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे की सेफ्टी में कोई इशू रहेगा. और लेडी गार्ड है स्पेसिफिकली. यू नो पेरेंट्स के मन में हमेशा होता है कि हम अपनी लड़की को भेज रहे हैं तो सेफ्टी कैसी है. सबसे पहली चीज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, लेडी गार्ड्स है, और अंदर भी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर आप देख रहे हैं तो सीसीटीवी कैमराज भी सब जगह पर इंस्टॉल्ड हैं, और कभी भी ऐसा नहीं है कि बच्चा बिना एंट्री किए बाहर जा सकता है. सो आपका बच्चा जो है काफ़ी सेफ है एंड दे हैव ऑल द फैसिलिटी. जैसे कि मैंने बॉयज़ हॉस्टल में बताया था 119 रूम्स हैं, सेम यहाँ पे भी 119 रूम्स हैं. सो नाउ वी आर एट द बॉयज़ हॉस्टल कैंपस ऑफ एमकॉम्स. ये जो हम हैं ये थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स वाले हॉस्टल में हैं. अगर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी यहाँ पे एक बेड लगा है. इट इज़ एक्चुअली अ सिंगल शेयरिंग रूम, बट स्टूडेंट ने अपने कम्फर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा मैट्रेस नीचे रखा है, दैट इज़ फॉर हिज ओन कम्फर्ट. अदरवाइज इट इज़ अ सिंगल शेयरिंग रूम. उसके बाद वहाँ पे उसके पास स्टडी टेबल चेयर भी हैं. उसके अलावा उसके पास अटैच्ड वॉशरूम है, और अटैच वॉशरूम के अलावा उसके पास छोटी सी पैंट्री और आई वुड से किचनेट भी है अगर कुछ बनाना है बच्चे को अपने लिए. एंड दे हैव द कबर्ड्स एज वेल, उसको लॉक भी कर सकते हैं. दे हैव दिस यू नो लैच ऑन द आउटसाइड क्या, उसको लॉक भी कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव बालकनी विद ईच रूम. तो कभी बच्चे का अगर मन करता है टू गो आउटसाइड दे कैन, एंड दे हैव बुक शेल्फ्स एज वेल अगर बुक्स रखनी है. सो एक कंफर्टेबल स्टे है. सो वेन एवर यू आर कमिंग टू एमकॉम्स, नॉट जस्ट द फूड, द स्टे इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, एंड एज वी ऑल नो द एजुकेशन इज टॉप नॉच. जैसे कि मैंने आपको बताया था गर्ल्स हॉस्टल का जो बेसमेंट है उसमें एमकॉम्स का ऑडिटोरियम है. मैं आपको लेके चलती हूँ ऑडिटोरियम में. इसके एडवांटेज क्या है, एक तो ऑडिटोरियम में देखो कल्चरल फंक्शंस तो होते ही होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये ऑडी दिन भर खुला रहता है. मतलब कि अगर गर्ल्स या बॉयज कोई भी यहाँ पे आकर के पढ़ना चाहते हैं, कभी 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 क्या होता है हम लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं, हम हॉस्टल में ही हैं और हम पढ़ना चाहते हैं, हमें रूम में यू नो उतनी पीस नहीं मिल रहा, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं,
यू कैन कम डाउन हियर एंड स्टडी हियर. रात को 10 बजे तक ही खुला रहता है, रात को 10 बजे के बाद ही बंद हो जाता है ताकि बॉयज जो है वो इस साइड पे ना आ सके. और सिक्योरिटी गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरास और सब कुछ यहाँ पे है ही है. आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस ऑडी को यूज़ कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम ये जो ऑडी है यहाँ पे एग्जामिनेशंस भी होते हैं. सो इट इज़ अ सेंट्रल एग्जामिनेशन फॉर एमकॉम्स. यहाँ पे एग्जाम्स भी होते हैं एंड दे हैव सीसीटीवी इंस्टॉल्ड ऑल अराउंड. आप देख सकते हैं मेरे पीछे मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज का बॉयज हॉस्टल है. बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है. यहाँ से एंट्रेंस है बॉयज़ हॉस्टल की और इसके बेसमेंट में ही मेस फैसिलिटी भी है. तो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक 100-200 meters फ्रॉम द टीचिंग हॉस्पिटल. तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है. सो अभी मैं हूँ मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की मेस फैसिलिटी में. आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मेस का काउंटर है. यहाँ पे पेड थिंग्स भी हैं और नॉर्मल जो आपका खाना होता है वो भी है. अगर आपको कुछ खरीद के खाना है तो यहाँ पे पेड ऑप्शंस भी हैं. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मेस में एसेज प्रोवाइड नहीं होती. तो अगर आप कुछ खरीद के लेना चाहते हैं आप यहाँ से प्रॉपरली खरीद सकते हैं. बच्चों का सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है. एट द सेम टाइम जो प्रॉपर खाना होता है वो 3 टाइम होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. और साथ में अराउंड 4 PM यहाँ पे स्नैक्स भी सर्व किए जाते हैं, मतलब टी ब्रेक जो होते हैं वो भी होती है. तो 4 टाइम खाना मिल रहा है बेसिकली स्टूडेंट को, जैसा हम अपने घर में खाते हैं. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे खाना लगाया जाता है एंड अब बहुत ही नीट एंड क्लीन और हाइजीनिक है. वही मैं आपको खाना भी दिखा देती हूँ कि खाना कैसा है एमकॉम्स का. और वेज नॉन वेज के सेक्शंस अलग अलग बन जाते हैं. मैंने जस्ट अभी लंच लिया है, आप देख सकते हैं पनीर की सब्जी है, दाल है, रोटी है, राइस है एंड सैलड भी है. और इसके अलावा देखा आपके वो सॉफ्ट चीनी वो सब कुछ है. अगर आप दही लेना चाहते हैं साथ में तो दही भी है. तो इट्स नॉट लाइक कि समथिंग स्पेशल फॉर मी. मैंने भी वही खाना लिया है जो बाकी बच्चे मेस में खाते हैं. तो अगर आप यहाँ पे आते हैं आपको भी ऐसा ही खाना मिलने वाला है. इट्स वेरी हाइजीनिक, नीट एंड क्लीन. और साथ में वेज नॉन वेज के सेक्शंस अलग अलग हैं, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट. बहुत अच्छा खाना है. सो आई जस्ट डाइव इनटू इट बिकॉज आई एम हंग्री फॉर श्योर. आई एम स्टार्विंग. एंड एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर हेयर आपको अच्छी मील्स और यू नो आई वुड से कि अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है. वी हैव जस्ट कवर्ड द बेस्ट सेक्शन ऑफ मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज. बेस्ट सेक्शन के पीछे वाली साइड पे ही जिम है. मतलब अगर आप खा रहे हो तो आपको फिट रहना भी एट द सेम टाइम जरूरी है. मैं जस्ट अभी जिमनेजियम में आई हूँ. फिर लुक एट माय लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे पूरा का पूरा कार्डियो सेक्शन है, ट्रेडमिल है, साइकिलिंग है, सब कुछ है. मतलब जो भी एक फिट रहने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट को वो सब है. एंड इफ यू लुक एट माई राइट, यहाँ पे वेट ट्रेनिंग सेक्शन भी है. सी मैं ये नहीं कहूँगी इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास लेवल जिम, बट एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है स्टूडेंट की वो ईजिली पूरी होती है. अगर कोई स्टूडेंट कुछ करना चाहता है अपने आप को फिट रखने के लिए, ऑल दोज मशीन्स एंड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर प्रेजेंट हियर.